शुरुआत करेंगे रायपुर से। राजभवन के सामने प्रदर्शन का मामला सामने आया है। प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल नाराज हुए। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों छात्रों को नोटिस थमाया गया है। कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद राज्यपाल की नाराजगी सामने आई और अब नोटिस थमा दिया गया है। शिक्षकों को छात्रों को नोटिस दिया गया है। रायपुर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में अब राज्यपाल की ओर से नोटिस जारी किया गया है। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों छात्रों को नोटिस थमाया गया है। कार्रवाई की बात यहां पर की गई है। कुलपति के नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, हंगामा किया गया था राजभवन के बाहर, उसके बाद अब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों छात्रों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कुलपति की नाराजगी इसमें साफ तौर पर सामने आई है। और रायपुर चलेंगे, वैभव शिव पांडे से बात करेंगे। वैभव, चूंकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजभवन के बाहर प्रदर्शन करना कितना सही कितना गलत, दूसरी बात ये कि जब राज्यपाल नाराज हो गए हैं तो नोटिस थमा दिया गया है, कार्रवाई होना जायज है। रायपुर में राजभवन के सामने प्रदर्शन के मामले में राज्यपाल की नाराजगी के बाद नोटिस थमाया गया है। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और छात्रों को नोटिस दे दिया गया है। राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया था, राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया गया था, राज्यपाल की नाराजगी इसमें सामने आई है। कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर ये छात्र और शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, इन सभी छात्रों और शिक्षकों को नोटिस थमाया गया है। राजभवन के सामने प्रदर्शन करने के मामले में कार्रवाई यहां पर की गई है, नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदर्शन करने वाले लोगों पर शिक्षकों को और छात्रों को नोटिस दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने एक साथ प्रदर्शन किया था, हाथ में बैनर लेकर हंगामा राजभवन के बाहर किया था। तो कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद अब राजभवन की ओर से नोटिस जारी हो चुका है। प्रदर्शन से राज्यपाल नाराज हुए और उसके बाद उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। पुलिस से विवाद भी हुआ था, झड़प भी हुई थी। और रायपुर चलेंगे, वैभव शिव पांडे से बात करेंगे। वैभव, राज्यपाल की नाराजगी इसमें साफ तौर पर सामने आई है, राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया गया था, क्या कुछ कारण का जिक्र इसमें किया गया है? देखिए, एक तो कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक है और उनका दायित्व रहता है कि वो किसी भी तरीके से राजभवन या फिर विश्वविद्यालय के जो नियम है उसको उल्लंघन ना करें जी। अब इसी कड़ी में चूंकि राजभवन की तरफ से जब नाराजगी जाहिर की गई कि शिक्षक खुद पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राजभवन के नाराजगी के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किया है जो कि प्रदर्शन में शामिल रहे हैं, और उनसे जवाब मांगा गया है कि आपने जो है विद्यालय के समय में कार्यालयीन समय में अनुपस्थित रह के ये प्रदर्शन कैसे किया, आपने कोई अनुमति ली थी या नहीं ली थी, तो उसकी जानकारी मांगी है। मतलब साफ है कि राजभवन भी इस मसले को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा दिखाई पड़ रहा है, और एक तरह से राज्यपाल जो है वो सीधे तौर पर नाराज होती हुई नजर आ रही है। चूंकि सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और सरकार ने एक तरीके से समर्थन कर दिया है शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन का, तो जाहिर तौर पर यह मसला एक तरीके से सियासी भी हो चला है और राजभवन और सरकार के बीच एक खींचतान का भी हो चला है। शिक्षकों का जिनका दायित्व शिक्षा देने का है, आपको यहाँ पर जिनका दायित्व शिक्षा देने का है, दीक्षा देने का है, ऐसे शिक्षक अगर विश्वविद्यालय से बाहर आकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, वो भी राजभवन जैसे एक संवैधानिक स्थान के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्या शिक्षकों को ऐसा करने से पहले एक बार विचार करना जरूरी था? देखिए, जो शिक्षक है उनका तर्क ये है कि हम राजभवन में समय मांग रहे थे राज्यपाल से मिलने के लिए, लेकिन पिछले 3 मर्तबा से हमें समय नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम लोग उनसे मिलने गए थे, प्रदर्शन करने वहां पे नहीं गए थे, ये शिक्षकों का कहना है। लेकिन जो तस्वीर आई है वो बिल्कुल जुदा है, और यही वजह है कि उनको नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में क्या जवाब अब शिक्षकों की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर सबकी निगाहें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ पर राजभवन की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे